अंकिता हत्याकांड को लेकर जनता का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार अंकिता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं इस बीच अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी का ताजा बयान सामने आया है। वीरेंद्र भंडारी का कहना है कि वे SIT की जांच से संतुष्ट नहीं हैं, लिहाजा वे पूरे मामले की CBI जांच चाहते हैं। दरअसल आज अंकिता भंडारी के गांव से तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। आयोजित तिरंगा यात्रा के दौरान अंकिता के पिता ने युवाओं का आभार व्यक्त किया व इंसाफ की इस लड़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समर्थन की अपील की। इस दौरान उन्होंने SIT द्वारा की जा रही जांच पर संशय जताया और CBI जांच की मांग की। वहीं जनता का भी कहना है कि अभी तक VIP के नाम का खुलासा न होना यह दर्शाता है कि SIT दबाव में जांच कर रही है, लिहाजा प्रदर्शन में मौजूद सभी लोग CBI द्वारा कोर्ट की निगरानी में जाँच कराए जाने की मांग कर रहे हैं। छात्र संघ के जो छात्र हैं इन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया है और मैं इन्हें ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मैं कह रहा हूँ कि जो आप ऐसे एक टीम गठित करी की है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ और मुझे CBI की से जांच करनी चाहिए। और भंडारी के घर से तमाम युवा साथियों के द्वारा किया गया और जो इसका अंत होगा वो वनंतरा रिजॉर्ट जहाँ पे बहन अंकिता के साथ दरिंदगी की गई वहाँ तक इसका अंत होगा। तो इस यात्रा का निकालने का मकसद ये था कि हम तमाम सरकारों को चेताना चाहते हैं कि आप लोग चेत जाइए और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको आप जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलाइए। और इस तमाम प्रकरणों की जितने प्रकरण हो रहे हैं, चाहे वो ममता बोगड़ा का प्रकरण आप लोगों को सुनने में आया हो या अंकिता भंडारी का प्रकरण, इन तमाम प्रकरणों में जल्द से जल्द CBI जाँच होनी चाहिए। तमाम हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की CBI जांच हो। और ठीक है, आप CBI जांच करो, अगर आप सही हो तो जांच करो, जो सही होगा वो सही होगा और जो गलत होगा वो गलत होगा, दूध का दूध और पानी का पानी, उस पूरी जांच में आप लोगों को पता चल जाएगा। इसलिए हम लोगों की ये मांग है कि आप CBI जांच जल्द से जल्द इस पूरे प्रकरण में, आप दोनों प्रकरणों में CBI जांच की आप जल्द से जल्द कोशिश करें।